जड़ी बूटियों की जानकारी को लेकर के हम आपके बीच आते हैं और आपको देते हैं ढेर सारी जीवन उपयोगी अनुभूत प्रयोग। आज हम बड़े प्रयत्न से एक और सुप्रसिद्ध इस प्यारे से पौधे के साथ हम हैं। यहाँ पर इस देश के अंदर इसको लगभग हर जगह इस पेड़ को आप देखते हैं और बहुत सारे मेरे देशवासी इस पेड़ के बड़े प्रशंसक भी हैं। इसकी समस्या यही है, अभी तो आप इसके फूलों को देख पा रहे हैं, फूल रात को दिखते हैं, पेड़ों में सुबह झड़ जाते हैं। इसको इसीलिए शायद अंग्रेजी में जैस्माइन बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है निकोट्रेंथस आर्बोर ट्रिससिस। इसको हम हिंदी में हार सिंगार या परिजात के रूप में हम इसको जानते हैं। ये वह पौधा है जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह भगवान या मंदिरों में इसके पुष्प को चढ़ाना हो तो ये फूल बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसकी जो सुगंधी है वो बहुत ही प्यारी होती है। परिजात का यह वृक्ष, हार सिंगार का यह पेड़, वास्तव में यह हमारी देश की शोभा है। आपके घर आंगन की यह शोभा हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर यह एक वृक्ष भी खिलता है तो पूरे वातावरण को यह सुगंधमय बना देता है। बहुत ही सुगंधित, बहुत ही खुशबू देने वाला यह पौधा औषधि के रूप में आपके जीवन में भी खुशबू दे सकता है। आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने इसके बहुत सारे औषधीय गुणों का वर्णन किया है, तो मैं तो उन गुणों में से जो हमने जिन अनुभवों को पाया उन अनुभवों को आपके साथ हम बांटना चाहते हैं। कितनी भयानक शैटी का प्रॉब्लम हो, वह कितनी भी भयानक हो, और यदि आप उस शैटिका की प्रॉब्लम की वजह से हिल डुल भी नहीं पा रहे हों, चल फिर भी नहीं पा रहे हों, उस स्थिति में, क्योंकि शैटिका जिसको गृधर्षि बोलते हैं, जिसको रेंगणबाय बोलते हैं, जो कमर से स्पाइन से शुरू होकर के और पैरों तक जो जाती है, दर्द की जो शिकायत होती है नस में, उसके लिए इन हार सिंगार के 3 पत्ती से 5 पत्तियाँ ले सकते हैं। इसको कूट करके और इसको आप 2 गिलास पानी में उबालें, उबाल करके आप इसको छान करके पिए। प्रातः सायं यदि आप प्रतिदिन काढ़ा बना करके पीते हैं, रेंगणवाय में शैटिका गृधर्षि के जो परेशानी है उसमें पूरा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके पत्तों का काढ़ा आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है, दर्द है, उस सूजन और दर्द के लिए यह अत्यंत निवारक भी है। तो उस दर्द के लिए, उस सूजन और पीड़ा के लिए आप इसका, इस हार सिंगार का आप सेवन कर सकते हैं। यह देश में सर्वत्र पाया जाता है, हो सकता है यह आपके घर आंगन की शोभा यह बढ़ा रहा हो। यह पौधा, यह औषधि बहुत ही दिव्य है। तो शैटिका के दर्द के लिए और किसी भी तरह के शरीर में सूजन और दर्द है उसके लिए यह बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त यह जो वृक्ष है वह आपके अर्थराइटिस के लिए, उसके लिए यदि संभव हो सके तो इसके जो पंचांग है, इसकी जो फूल हैं, पत्तियां हैं, पेड़ की जो छाल है उसको आप ले करके, पेड़ की छाल यदि आप नुकसान ना पहुंचे पेड़ के लिए, छाल ना भी लें तो इसकी कोमल, इसकी पत्तियों को, टहनियों को काटें और उसमें फूल मिला करके, फूल जितने भी मिल जाए उसको मिला करके आप इसका काढ़ा बना करके आप पिएं। लगभग सूखा हुआ जो ये पत्तियां और जो फूल है
5 ग्राम की मात्रा है एक बार के लिए, 5 ग्राम को आप 200 ग्राम पानी में उबाल दें, उसमें 5 ग्राम में हो सकता है आपके एक दो फूल भी मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। एक डोज में 2-3 फूल हों, बाकी ये पत्तियां और इसकी बारीक टहनियां, इसको डालिए, फिर इसको उबालिए। उबाल करके आप इसको पीजिए, आप देखेंगे कि इससे आपके अर्थराइटिस में पूरा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप चाय भी पीते हों, हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ यदि एक दो फूल उसमें डाल दें तो आप देखेंगे चाय का जो स्वाद है। और यदि आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हों, हर्बल टी का आनंद आप उठाना चाहते हों, तो एक दो पत्ती तुलसी डाल दें, 2-3 पत्तियां ये ले लें और एक दो फूल इसके डाल लें। इससे फिर आप उसको पानी में उबालें, आप देखेंगे बहुत सुंदर कलर, उसमें दूध भी नहीं मिलाना है, उसमें आपको मीठा भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है, उसको आप वैसे ही रखें। यदि कांच के बर्तन में आप रखते हैं तो देखने में आप देखेंगे कितना सुंदर इसका रंग होता है। और यदि आप पिए, निश्चित रूप से मैंने देखा है ताइवान में और चाइना में लोग इसकी चाय पीते हैं, और जैसे चाइनीज़ टी के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, चाइना और ताइवान और जापान वगैरह के अंदर में हर पदार्थ का वो चाय के रूप में सेवन करते हैं। वो चाय नहीं होता है, हमने तो जो विकृत उसका स्वरूप है हम उसका सेवन करते हैं। वास्तव में जिस रूप में आज हम चाय पीते हैं वो काफ़ी नुकसानदायक है, और जो वो लोग चाय पीते हैं ना उसमें वो मीठा मिलाते हैं, ना उसमें वो किसी भी तरह से कोई दूध वगैरह डालते हैं, ना ही उसमें और किसी तरह से कुछ भी चीज़ मिलाई जाती है। विशुद्ध रूप से वो काढ़ा ही है, काढ़ा का एक विशुद्ध रूप है। हालांकि जितना बीमारी होने पर उस काढ़े को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है, और बीमारी नहीं हो तो उस काढ़े को थोड़ी सी कम मात्रा में लेनी होती है, तो उस काढ़े के द्वारा आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। यही परंपरा हमारे देश में कायम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फांट कसाए क्वाथ की जो परंपरा है हमारी बहुत प्राचीन है, तो इसमें हम पूरे देश के अंदर यह इस विधा को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, प्रचलित कर सकते हैं। यदि आपके घर में मेहमान आए और यदि आपके घर में यह हार श्रृंगार का पौधा है, तो मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा, यदि घर में नहीं है आपके आस पड़ोस में भी है तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इसकी दो पत्तियाँ, जैसे आपको करीबन समझिए कि 5-7 कप चाय बनानी हो तो 2-3 पत्तियों को थोड़ा कुचल करके मसल करके डाल दें, उसमें एक कप चाय के हिसाब से लगभग आप सोचिए, काढ़ा बनाने हो तो एक पुष्प भी मिल जाए तो 4-5 फूलों को डाल दें। ज़्यादा आप फूल डालेंगे तो थोड़ा कसैला होगा, वो इतनी ज़्यादा खुशबू हो जाएगी कि आप सेवन नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े से कम डालें। डाल करके आप उबाल करके पीते हैं, एक दो पत्ती डालना चाहे तो तुलसी की डाल दें, फिर आप देखेंगे ये कितनी गुणकारी है, स्वादिष्ट भी है, खुशबूदार भी है, इससे आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द की शिकायत नहीं होगी, और यह अत्यंत लाभकारी है आपके कफ रोगों के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए और बलगम के लिए। यह पेट का जमा हुआ जो मल है उस मल को भी यह निकालता है। यह वास्तव में बहुत ही गुणकारी है।